कन्नौज से अलीगढ़ आए एक मुस्लिम परिवार को रेलवे स्टेशन पर कथित बदमाशों ने पीट दिया। आरोप है कि कन्नौज का एक परिवार मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में ट्रेन से आया था, लेकिन 20-25 अज्ञात हिंदूवादियों ने उनके साथ मारपीट की। दो युवकों को चोटें भी आई हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 147, 394, 352 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। ट्रेन में नहीं थे, वापस आगे से भागते हुए आ रहे थे ना, चिल्लाते हुए, और मैंने अपनी औरत को जैसे उतारा, नकाब में थे ना, और इन लोगों मुस्लिम नहीं थे वो लोग, और उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया ना, पकड़ के फिर उन्होंने मेरे को देखने नहीं दिया, इतनी बुरी तरीके से मारा मेरे को। 2000 रुपया भी था वो भी चला गया, और 14000 का मोबाइल भी था मेरा वो भी ले लिया। किस बात पे मारा? कोई बात ही नहीं हुई। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोले ही नहीं, मारने के टाइम पर कुछ बोले ही नहीं, खाली मार ही रहे थे ना, और कुछ लोग उसमें वीडियो भी बना रहे थे ना। क्या सही? आप कहाँ से आ रहे थे? कन्नौज से आ रहे थे। वो लोग ट्रेन के इंजन की तरफ से आए थे या पीछे से की तरफ? इंजन की तरफ से। हाँ, हम लोग आगे ही बैठे थे ना। कौन से प्लेटफार्म पे? प्लेटफार्म नंबर मेरे को याद नहीं। आनंद विहार गाड़ी आई। 7 नंबर पे ऐसा। हाँ। कितने लोग थे आपके साथ जिनके साथ मारपीट हुई? हम लोग थे 6 जन थे ना जिनके साथ मारपीट हुई। हाँ, लेकिन हम 2 जेंट्स के साथ में हुई, औरत को तो मतलब फेंक दिया ना अलग, तो उसके मार नहीं लगी। लड़की मेरी बेहोश हो गई वहीं पे, दवा लेने उस लड़की की आया था मैं। मारने वाले 20-25 थे ना। बता दें कि कन्नौज के रहने वाले शहीम अपने परिवार की 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के साथ अलीगढ़ आए हुए थे। शहीम का परिवार साप्ताहिक ट्रेन मऊ आनंद विहार से जनरल कोच में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन रविवार की शाम 4:15 अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची, तो सभी लोग कोच से उतर गए। आरोप है कि मुस्लिम होने की वजह से 20-25 अज्ञात लोगों ने उनके साथ अचानक मारपीट शुरू कर दी थी। न्यूज़ डेस्क।